विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े बजरंग दल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मानहानि नोटिस भेजा है और 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। नोटिस में बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से करने पर आपत्ति जताई गई है और भगवान हनुमान के करोड़ों भक्तों का अपमान करने का आरोप भी लगाया गया है। कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए घोषणा पत्र जारी किया था, इसमें पार्टी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध ठोस और निर्णायक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है जो समुदायों के भीतर जाति या धर्म के आधार पर नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया था कांग्रेस के कि ये हमारा यकीन है कि संविधान और कानून सर्वोपरि है और कोई भी व्यक्ति या संस्था जैसे बजरंग दल, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या अन्य बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के बीच दुश्मनी या नफरत फैलाने के लिए इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। हम कानून के अनुसार ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाएंगे जिसमें उस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लागू करना भी शामिल है। ये नोटिस VHP और बजरंग दल की तरफ से चंडीगढ़ स्थित एडवोकेट साहिल बंसल ने भेजा है। हर्जाने की रकम को भरने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक में दिए गए भाषण में कांग्रेस के इस कथित कदम को सारे बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प करार दिया है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा की 224 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार राजनीतिक पार्टियों में जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक का ये चुनाव किसके पाले में जाकर खड़ा होता है।